नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। भारत के महत्वाकांक्षी मिशन मून के तहत चंद्रयान 3 चांद की 5वीं और अंतिम कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया है और अब लैंडर विक्रम के अलग होने का प्रोसेस भी शुरू है। इसरो की तरफ से बताया गया था कि लैंडर 17 अगस्त की सुबह अलग होगा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने मोदी सरकार पर सांप्रदायिक उन्माद बढ़ाने वाले निर्णय लेने का भी आरोप लगाया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी पार्टी पहले अन्य दलों के विधायकों को तोड़े बिना अपनी पार्टी बनाकर दिखाए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार जम्मू कश्मीर के रजौरी में सुबह करीब 3:50 बजे 3.6 तीव्रता का भूकंप आया। पश्चिम अफ्रीका के देश केप वर्दे द्वीप समूह के तट के पास सैनिकल से आए प्रवासियों की नौका समुद्र में डूबने से 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोदी ग्राउंड के पास मच्छेल माता यात्रा के तहत यात्री को ले जा रही एक मिनी बस पलट गए। इस हादसे से कम 13 लोग घायल हो गए। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में 31 जुलाई को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवान ने 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के 15 दिन बाद भी इस केस की जांच चल रही है और कई हैरान करने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर सुनील देओल के एक दहाड़ ने सभी को पीछे छोड़ दिया है। सुनील देओल की गदर 2 सुनामी की बनकर जबरदस्त कमाई कर रही है। अदानी ग्रुप के लिए एक अच्छी खबर है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद भी अदानी पर निवेशकों का भरोसा कायम है, जिसके चलते कंपनियां अदानी की कंपनियों में धड़ाधड़ पैसा लगा रही हैं। ट्रेन में सफर के दौरान अगर किसी यात्री की तबीयत बिगड़ती है तो उसे रेलवे स्टेशन पर ही अब सस्ती दरों में दवाएं प्राप्त हो सकेगी। ये थी आज की टॉप 10 खबरें। खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर ही लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर। नमस्कार।